हाईटेक एक बड़ी अच्छी कंपनी है जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की हैं और हम बड़े मुतमिन हैं इनकी सर्विसेज से। युवा मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था हाईटेक, नहीं एक दोस्त ने रिकमेंड किया, फिर हाईटेक चूँकि इसके लोकल एजेंट्स हैं इनसे रब्ता हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक जैपनीज़ कंपनी GSW के साथ इनका जॉइंट वेंचर है और ये उनके लिए एक्चुअली मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी लोग ये क्लेम करते थे लेकिन मैंने एक्चुअली फैक्ट्री विज़िट की चाइना में जाके और मैंने देखा कि वाकई वहाँ पर ये GSW की मशीन्स मैनुफैक्चर कर रहे हैं और वहीं से मुझे इत्मीनान हुआ कि इनका टेक्नोलॉजिकल लेवल ये है कि ये अपनी मैनुफैक्चरिंग भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। हम चूँकि पहले कन्वेंशनल मशीन्स यूज़ करते थे और कुछ सालों से हम शिफ्ट कर गए हैं सारी सर्वो ड्रिवन मशीन्स पे, जिसमें एक दो और बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी मशीन्स भी हमने इंस्टॉल किया, फिर युवा की भी। हमारा एस्टिमेट है कि डिपेंडिंग अपॉन द मोल्ड एंड द प्रोडक्शन एनीवेयर बिटवीन 30-45% तक एनर्जी सेविंग होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है। एक तो ये मशीनें टोटली नॉइजलेस हैं और सेकेंडली इनमें जो आप कूलिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कन्वेंशनल मशीन के मुकाबले में बहुत कम है। रिजल्टेंटली एक तो आपका पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है और सेकेंडली आपका जो ऑयल है और जो इसके साथ जो इसके पंप्स हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। हम बड़े मुतमिन हैं, हमें चूँकि नई मशीन्स हैं तो इस तरह से ऐसा सच हमें प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, लेकिन हमने जब भी इन्हें कोई प्रॉब्लम बताई है तो इनको हमेशा अलर्ट और हाजिर पाया है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स इन हाउस भी स्टॉक कर रखे हैं ताकि अगर कोई मशीन में खुदा नास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई पार्ट फॉल्टी निकल आए, क्योंकि हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो वो ये बजाय इसके कि आपको चाइना से मंगवा के दें, ये फौरी अपने रेडी स्टॉक से उसको रिप्लेस करते हैं। और मैंने उनके वो गोडाउन्स विज़िट भी किए हैं, वेयर हाउसेज विज़िट किए हैं और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है। मैं यही कहूँगा कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो नई मशीन इंस्टॉल करें और स्पेशली युवा की मशीन्स, ताकि इनका पूरा एक टेक्निकल स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ है, जो कि हर तरह से आपको ना सिर्फ मशीन की कमिशनिंग बल्कि उसकी सब्सिक्वेंट रनिंग में भी पूरी तरह आपको वो ट्रेन भी करता है और गाइड भी करता है। तो नए इन्वेस्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो किसी ऐसे अदारे से काम करे जो थ्रू एंड थ्रू उसको गाइड कर सके। मेरी सजेशन यही है कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि जब यहाँ पे एग्जीबिशंस हो तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाइना में इनकी फर्म की तरफ से इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें रोबोटिक आर्म्स हैं और बाकी इस तरह की चीज़ें हैं, वो इनको यहाँ पे डिस्प्ले करनी चाहिए और जो इनके इंडस्ट्रियल यूज़र्स ऑलरेडी हैं या नए हैं उनको नई टेक्नोलॉजीज से भी इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। थैंक यू सर।